वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस रेगुलर वॉच करते रहोगे। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सारे व्यूअर्स को दिली ईद मुबारक। यकीनन रमज़ान का महीना गुज़र गया, बरकतों का महीना गुज़र गया और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सब लोगों की इस महीने में मगफिरत हुई होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेस्ट को टाइट करने का एक आसान सा नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस नुस्खा को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ ये नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वॉच करके इस आसान से नुस्खे से फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों, इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को दो और वीडियोस शो होगी, उसमें से एक वीडियो प्लेलिस्ट की वीडियो है। मुझे अक्सर व्यूअर कहते हैं कि हमें आपकी एक वीडियो तो मिल जाती है लेकिन दूसरे को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोग इस तरह करें कि प्लेलिस्ट की विज़िट करें और प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाया करेगी। दोस्तों, ब्रेस्ट को टाइट करने का कुदरती नुस्खा ये है। नंबर एक, अज्जा आपको ये चाहिए होगी। नंबर एक, विटामिन ई, एक चाय का चम्मच विटामिन ई। आपको किसी भी पंसार स्टोर से ये कैप्सूल मिल जाएगी, छोटी छोटी कैप्सूल है, 10-12 रुपए की 10 कैप्सूल मिल जाएगी। विटामिन ई एक चाय का चम्मच, दही एक खाने का चम्मच, अंडे की सफ़ेदी एक अदद और हाले शहद एक चाय का चम्मच। इसका तरकीब और तरीका इस्तेमाल ये है, इन तमाम अशिया को किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना ले। उसके बाद इसे चातियों पर लेप की सूरत में लगाकर 2 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें, यानी गोलाई में ऊपर नीचे अच्छी तरह से ब्रेस्ट पर मसाज करें। एक ब्रेस्ट पर 2 से 5 मिनट और दूसरे ब्रेस्ट पर एक 2 से 5 मिनट तक, और अच्छी तरह से जज़ब होने दें। उसके बाद एक पुरानी ब्रेजर ढूंढिए जिसके अंदर फोम न लगा हो और उसे पहन लीजिए, लेकिन ख्याल रहे कि इसे इस हद तक आरामदेह कर ले जिस हद तक आप इसे आरामदेह कर सकती हो। इसके बाद इसे आधा घंटे तक पहने रहे और उसके बाद ब्रेजर को उतार कर छातियों को पानी से धो लीजिए। इसे लगाने के लिए वक़्त की कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकती है। बच्चों को फिट करवाने वाली औरतें इस नुस्खा को हरगज इस्तेमाल न करें और इस नुस्खे को कम से कम 15 से 20 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को फ़र्क वाज़ह नज़र आ जाएगी। दोस्तों, यकीनन ये एक आसान सा नुस्खा था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ये नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वॉच करके इस आसान से नुस्खे से घर बैठकर फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों, वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट की वीडियो देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दे दो। वस्सलाम।